दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज व शिक्षा मंत्री आतिशी ने अपने अपने मंत्रालय का संभाला कार्यभार। जी हां, आपको बता चले कि आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज और आतिशी ने शुक्रवार को अपने अपने विभागों का कार्यभार संभाल लिया है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने गुरुवार को दोनों को मंत्री पद की शपथ दिलाई थी। आतिशी को शिक्षा, लोक निर्माण विभाग, विद्युत और पर्यटन विभाग का कार्यभार दिया गया है, जबकि सौरभ भारद्वाज को शहरी विकास, जल बोर्ड और उद्योग विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे। मनीष सिसोदिया और सत्यन जैन के इस्तीफे के बाद मंत्रिमंडल में पद खाली हो गए थे। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए सौरभ भारद्वाज और आतिशी ने कहा, जैसे मनीष सिसोदिया और सत्यन जैन ने शिक्षा स्वास्थ्य में क्षेत्र में भारत का नाम दुनिया भर में रोशन किया, वैसे ही हम दिल्ली वासियों की उम्मीदों पर खड़ा उतरेंगे। सौरभ जी, सबसे पहले आपको बधाई और प्राथमिकता क्या रहने वाली है? देखिए, आजादी के बाद हमारे देश में 75 सालों से जिस तरीके का अच्छा काम स्वास्थ्य में सत्येंद्र जैन साहब ने किया और शिक्षा के अंदर मनीष सिसोदिया जी ने किया, संभाली है। जैसे भगवान राम जब वनवास गए तो 14 साल तक उनके भाई भरत ने उनका कामकाज संभाला, तो मैं और आतिशी भी उसी तरीके से मनीष जी का और सत्येंद्र जैन साहब का काम संभालेंगे और ईश्वर से ये निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि वो जल्द से जल्द जेल से रिहा होके आए और अपना काम वापस संभालें। What will be your priority, Saurav? You've been given this crucial Ministry of Health, Urban Development, Water and In Hindi. तीन बड़े महकमे जो हैं अरविंद केजरीवाल जी के फ्लैगशिप महकमे बताए जाते हैं, हेल्थ और एजुकेशन हमेशा से रहा है और दिल्ली के अंदर अब यमुना पे काम करना, यमुना की सफाई करना, यमुना को साफ और निर्मल बनाना और हर घर तक पानी पहुंचाना, ये हमारे जो है बेसिकली एजेंडा रहेंगे। और जो काम पिछले कुछ दिनों से थोड़ा स्लो हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से केंद्र सरकार हमले कर रही है, दिल्ली वालों के काम को स्लो करने की कोशिश की गई है, उनको तेजी से करें। आपकी शिकायत होती है कि एलजी काम नहीं करने देते हैं। फाइलें रुकी पड़ी हैं कई सारी, कैसे किया? अब एलजी साहब से तो हम लोग निवेदन ही कर सकते हैं कि एलजी साहब हमें और दिल्ली वालों को काम करने दें, काम बेहतर हो जाए। अब आगे जैसा होगा वो आपके सामने आएगा। What will be the biggest challenge, Saurav, given the time that you are joining as a minister, with the kind of credibility crisis that your government may have in the eyes of some people, what is the biggest challenge that you have? देखिए, केंद्र सरकार हर कोशिश करेगी काम को रोका जाए और पिछली बार दिल्ली वालों ने हमको मौका इसलिए दोबारा दिया क्योंकि वो लोग रोकते रहे और हम काम करते रहे। और जब जब कोई सरकार रोकने की कोशिश करती है तो लोगों को भी ये बात समझ में आती है और इन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अगर हम अच्छा काम करते हैं तो लोगों का आशीर्वाद हमें मिलेगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आप ये पदभार संभाल रहे हैं, पहले ट्रांसपोर्ट ये गया, एएनआई का निकल गया, एक सेकंड सर, थोड़ा सा आगे आ जाइए, एएनआई के साथ तार छोड़ो बोलने तो। केंद्र सरकार बहुत हमलावर है और जिस तरीके के हमले केंद्र सरकार आज आम आदमी पार्टी पे कर रही है, इस तरीके के हमले कभी नहीं देखे गए किसी अपोजिशन पार्टी पे, इस तरीके के हमले सुने भी नहीं गए कि आपके दो सबसे बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया हो और एक विच हंट चल रहा हो कि किसी ना किसी तरीके से इनकी पार्टी के नेताओं को जेल में डाला जाए। तो परिस्थितियां बहुत जो है अच्छी नहीं है, मगर पहले की तरह इस बार भी दिल्ली वालों के लिए काम कर रहे हैं।